नमस्कार, मैं हूं दिबांशी मोइत्रा। चीन को लेकर दुनिया की भौहें तनी हुई और इसको लेकर दुनिया के सभी शक्तिशाली देश चीन को सबक सिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूरोपीय संघ के मुख्य राजनयिक ने यूरोप और अमेरिका के बीच बैठक की वकालत की, जिसका उद्देश्य चीन के खिलाफ एक आम ट्रांस एटलांटिक मोर्चा बनाना है। बैंकॉक पोस्ट के अनुसार यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों के उच्च प्रतिनिधि ने कहा कि दोनों पक्षों को हमारे मूल्यों और हमारी रुचि की रक्षा करने के लिए आम कारण बनाना चाहिए। सोमवार को 27 यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ वीडियो वार्ता के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमें चीन के लिए और अधिक मजबूत रणनीति की जरूरत है, जिसमें बाकी लोकतांत्रिक एशिया के साथ बेहतर संबंधों की भी जरूरत है। इसके साथ ही साथ चीन भारत से उलझकर और परेशानी में पड़ गया। आपको मालूम हो कि गलवान में चीन अपनी काली करतूत को उजागर कर चुका है। इसके साथ ही पूरी दुनिया चीन की इस नापाक हरकत की आलोचना कर रही और अब यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ और अमेरिका सबक सिखाने के लिए बैठक कर रहे हैं। देखना होगा कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन चीन जो अपनी अकड़ में रहता है और उनको भ्रम है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये उसका भ्रम है। अब पूरी दुनिया चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुकी और जल्द ही उसका रिजल्ट आने वाला है।